जी हाँ, स्वागत है आपका। तो विभिन्न अंगों का भार, जी हाँ, हृदय, हृदय का भार कितना होता है? तो हृदय का भार 300 से 350 ग्राम का होता है। और वही बात करें लीवर की, लीवर यानी यकृत यानी कि जिगर का भार कितना होता है? तो ये 150 से 2 किलोग्राम का होता है, ठीक है ना। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। तीसरे पॉइंट की बात करें कि ब्रिक यानी किडनी यानी गुर्दा का भार कितना होता है? तो किडनी, ब्रिक या गुर्दा का जो भार होता है वो 140 ग्राम का होता है, ठीक। अब बात करते हैं मस्तिष्क की यानी ब्रेन की। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम का होता है। और इसके अलावा अगर बात करें फेफड़ा, फेफड़ा जिसे लंग्स या फुफ्फुस भी कहते हैं, इसका भार 400 से 450 ग्राम का होता है। लेकिन वो भी एक फेफड़े का भार 400 से 450 ग्राम, और दोनों मिलाकर के बात किया जाए तो लगभग 1000 ग्राम का होता है, ठीक। और छठे पॉइंट की बात करें पीयूष ग्रंथि, जी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम का होता है। और ये मस्तिष्क में पाई जाती है और स्फिनाइट बोन्स के अंदर ये सुरक्षित होती है। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथ जिसको औटो ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है, इसका भार कितना होता है? तो इसका भार 28 ग्राम होता है। इसके अलावा अगर हम आठवें पॉइंट की बात करें अधवृक्क यानी कि एड्रेनल ग्लैंड का भार कितना होता है? तो इसका भार 5 ग्राम का होता है। अधवृक्क यानी एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स इसी के द्वारा सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए पीनियल ग्रंथ जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसका भार कितना होता है? ये 0.1 ग्राम का होता है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।